लेकिन हम अपना हद भूल गए थे। ये बिहार है बिहार, यहाँ लड़कियों की औकात बस इतनी होती है, वो लोग किचन तक सीमित रहती है। होना भी चाहिए, लड़कियों को आगे बढ़ने का कोई हक नहीं होता। यहाँ पटना में बहुत सारा कांड लगता है, बहुत सारा इलीगल तरीके से बहुत काम होता है पटना में। शराब बेचा जाता है इलीगल तरीके से, लेकिन वहाँ सिस्टम एक्टिव नहीं होता। कोई लड़की अगर अपना बिजनेस कर रही है, उसको बार बार परेशान किया जाता है, बार बार। हद भूल गए थे ना हम अपना। मेरी औकात बस किचन तक है, चूल्हा चौका करना, शादी करके अपने घर जाना। बिहार और समाज की हकीकत बयां करती है लड़की प्रियंका गुप्ता है, जो बिहार में ग्रेजुएट चायवाली के नाम से फेमस है। राजधानी पटना में विमेंस कॉलेज के बाहर प्रियंका चाय का एक स्टॉल लगाती थी। हाल ही में प्रियंका गुप्ता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इनका रोते हुए वीडियो वायरल होने पर लोग हैरत में हैं कि आखिर सब कुछ शानदार तरीके से चल रहा था, तो फिर अचानक आखिर ऐसा क्या हो गया कि चाय वाली प्रियंका गुप्ता इस तरह से फूट फूट कर रोने लगी। इसकी वजह है पटना नगर निगम द्वारा उनका ठेला हटाने का फैसला। नमस्कार, मैं शुभी महेश्वरी और आप स्पाइस न्यूज भारत देख रहे हैं। दरअसल सरकारी जमीन पर ठेला लगाने के आरोप में प्रियंका के फेमस ठेले ग्रेजुएट चायवाली को ठेला अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत जब्त कर लिया गया। पटना नगर निगम की कार्यवाही से नाराज प्रियंका ने वीडियो में कहा कि मुझे लगा जब कमिश्नर सर से परमिशन मिल गई कि वहां कुछ दिन के लिए हम अपना ठेला लगा सकते हैं, तो बार बार मेरे स्टॉल को क्यों उठा लिया जाता है। हम हार मान गए हैं सिस्टम के सामने। बता दें कि ये पहली बार नहीं जब प्रियंका का ठेला हटाया गया हो। प्रियंका ने विमेंस कॉलेज के पास से अपने स्टॉल को बोरिंग रोड पे शिफ्ट कर लिया था। इसी बीच कुछ दिन पहले पटना नगर निगम के ठेले को हटा दिया, जिसके बाद वो लालू प्रसाद यादव के पास शिकायत लेके पहुंची थी। उन्हें ठेला लगाने की इजाजत भी मिल गई थी। खास बात यह है कि इनके स्टॉल पर कई बड़ी हस्ती भी चाय पीने आए हैं, जिनमें अक्षरा सिंह, विजय देवरकोंडा, साथ ही एमबीए चाय वाले के नाम से प्रसिद्ध प्रफुल जैसे बड़ी हस्ती शामिल हैं। भोजपुरी अदाकारा अक्षरा सिंह ने तो ग्रेजुएट चाय वाली प्रियंका गुप्ता का साथ देते हुए अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी शेयर किया है और बिहार सरकार पर सवाल उठाए हैं। अक्षरा सिंह ने कहा कि जब एक लड़की समाज की झूठी विडंबनाओं को तोड़कर खुद कुछ करने का साहस जुटाती है, मगर उसे जब प्रताड़ित किया जाता है तो सब लोग मूक दर्शक क्यों बने रहते हैं। खैर, इस मामले पे आप लोगों का क्या सोचना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।